ठीक है गाइस, तो मैं फाइनली रक्षाबंधन देख के आ गया हूँ। और सच बताऊँ, ये मूवी मुझे अच्छी लगी है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छी डेफिनेटली लगी है। और जो प्रॉब्लम लाल सिंह चड्ढा के साथ थी ना, वही प्रॉब्लम इस मूवी के साथ भी है। मतलब कि उस मूवी की लेंथ ज़्यादा बड़ी थी, इसकी ज़्यादा छोटी है। उसमें उसकी पेसिंग ज़्यादा स्लो थी, इसकी पेसिंग फास्ट है। मतलब एक तरह से बैलेंस कर रखा है दोनों मूवी ने एक दूसरे को। और शायद इसीलिए पहले दिन का जो कलेक्शन है वो ज़्यादा, गैप भी उनका ज़्यादा बड़ा नहीं है। साथ ही साथ दोनों का कलेक्शन काफ़ी कमाने वाला है। पर्सनली मुझे दोनों मूवी पसंद आई हैं, लेकिन शायद ऑडियंस को उतनी क्लिक नहीं करी जितनी मुझे कर गई। डिपेंड करता है यार कि आपका टेस्ट किस तरह का है, आप किस तरह की मूवीज़ देखते हो। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि दोनों मास्टरपीस नहीं हैं, दोनों बहुत अमेजिंग मूवीज़ नहीं हैं, दोनों सबको पसंद आने वाली मूवीज़ नहीं हैं। लेकिन हाँ, एक अगर आप एक फैमिली ऑडियंस हो और आपको अपने पूरे परिवार के साथ मूवीज़ देखनी पसंद आती हैं, तो ये दोनों ही मूवीज़ आपको पसंद आने वाली हैं। बाकी अगर आप लोगों ने ये मूवी देखनी हो और आपकी क्या टेक है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।